तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आपके सामने खड़ी है टियागो एनआरजी सीएनजी वाला मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर लोगो मिल जाता है, एग्जैक्ट प्लस वाला मॉडल है ये। हमारा टॉप एंड मॉडल है, इसके अंदर आपको सारे फीचर आपको मिल जाते हैं टॉप एंड वाले। और ये लगता है ये यूट्यूब फर्स्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर टियागो एनआरजी का सीएनजी वाला कोई भी वीडियो नहीं देखा है। तो चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। तो बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको ट्राई एरो पैटर्न, आपको मैट कलर की आपको ग्रिल मिल जाती है, और क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, और स्किप प्लेट वगैरह दी गई है थोड़ी स्पोर्टी सी लुक को दिखाने के लिए। और यहाँ पे साइड में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। गाड़ी के डायमेंशंस आपको सेम मिलते हैं, कोई भी आपको फ़र्क नहीं मिलता। जो कि डायमेंशंस हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इंजन की बात कर लेंगे तो वो भी आपको सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा, और इंजन आपको सेम ही मिलता है। और सीएनजी वाला आपको इंजन मिलेगा, जो कि नॉर्मल जो बाकी टियागो में मिलता है वही आपको इसके अंदर मिलेगा। तो बात करते हैं साइड की, तो साइड में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। और ORBMs जो हैं वो आपको ब्लैक कलर के पियानो, ब्लैक कलर के आपको मिल जाते हैं। विथ टर्निंग इंडिकेटर जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों मिलते हैं। और ए प्लग आपको बॉडी कलर मिलता है, और बी प्लग आपको मैट प्लग रहेगा। अब चलते हैं एलॉय व्हील की तरफ। तो एलॉय व्हील जो है वो आपको हाइपर स्टाइल आपको मिलता है। एलॉय व्हील नहीं है बल्कि ये प्रॉपर रिमी है, पर इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको एलॉय व्हील वाला फील आ सके। और बात करते हैं टायर साइज़ की, तो आपको जो टायर साइज मिलता है वो आपको मिलता है 175/65R14, यानी 14 इंच के आपको रिम देखने को मिल जाते हैं। क्लाइडिंग वगैरह आपको दी गई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। और ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद टुकर सेंसर बटन, और पियानो ब्लैक फिनिश का भी इस्तेमाल किया गया है। अब चलते गाड़ी के रियर में और दिखाते हैं आपको रियर में। जो लाइट का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आपको बल्ब्स में मिलता है। एनआरजी के आपको बैजिंग मिल जाती है, नीचे आपको ICNG की बैजिंग मिल जाएगी। 2 पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं, और पीछे भी आपको क्लाइडिंग वगैरह दी गई है। और यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, लोकेशन से बटन के साथ टाटा का लोगो आपको मिल जाता है, टियागो की बैजिंग। और यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा, CNG का लोगो, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग आपको मिल जाएगी। रूफ़ आपको ब्लैक मिलती है एग्जिट में, आपको एग्जिट वाले वेरिएंट में रूफ़ आपको ब्लैक मिलेगी, और रूफ रेल्स भी आपको दी गई हैं। ये पार्ट आपको ब्लैक कलर का दिया गया है, तो कि थोड़ा सा ना आपको स्पोर्टी सा गाड़ी में फील आए। तो अब चलते गाड़ी की इंट्री की तरफ और दिखाते हैं इंट्री में आपको क्या क्या मिलता है। तो गाड़ी का पहले थंब सुना दूँ आपको, गाड़ी का थंब काफ़ी अच्छा मिलता है इसका इसके अंदर। और जो डोर है वो आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेगा। डोर पे जो बटन्स हैं वो आपको चार पावर विंडोज़ के बटन आपको मिल जाते हैं, ब्लैक डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे, स्पीकर ग्रिल आपको नीचे मिल जाती है, बोर्ड रखने की जगह आपको यहाँ दी गई, कोई भी कुशनिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है। ORBMs के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं डोर के ऊपर। और सीट की बात करें तो सीट आपको फैब्रिक मिलती है सारी, और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सीट को अपना आगे पीछे आप आराम से कर सकते हैं। और चाबी की बात करेंगे तो चाबी आपको रिमोट की मिल जाती है, फिर लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स और बूट ओपनिंग की आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं गाड़ी के अंदर आपको कैसा क्या मिलता है। दोस्तों आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि टियागो एनआरजी में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी सा आपको फील कराएगा। और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग विदाउट लेदर रैप आपको स्टेयरिंग मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश आपको पूरे स्टेयरिंग पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे वॉइस कमांड के, सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड आपको लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, सेंटर में आपको डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बाकी टियागो गाड़ियों में भी, टियागो और में भी आपको मिलता है, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको स्टार स्टॉप बटन आपको यहाँ दिया गया है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले आपको यहाँ मिल जाता है, हार्मन म्यूजिक सिस्टम आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको स्क्रीन जगह बटन आपको यहाँ मिल जाता है, मैनुअल आपको AC मिलता है, यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल गियर लीवर आपको दिया गया है, ग्रे फिनिश आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2 कप होल्डर की जगह आपको यहाँ दी गई है, और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, या तो आप अपनी चाबी भी रख सकते हैं। और ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा प्रीमियम सा आपको फील कराएगा। और यहाँ पर जो आपका ग्लव बॉक्स है वो आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा डिसेंट साइज आपको देखने को मिलेगा। ट्यूटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, और नॉर्मल IRBM आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सनवाइजर पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिलता है, वॉइस कमांड के लिए एक स्पीकर यहाँ दिया गया है।
ओवरऑल गाड़ी में यही है, और बाकी अब बात रेयर की करते हैं, रेयर में दिखाते हैं आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। चलते गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर कैसा क्या कंफर्ट देखने को मिलता है। तो जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर जाएंगे और गाड़ी के अंदर बैठेंगे, तो जो आगे वाली सीट है वो मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है ताकि आपको सही अंदाज़ा मिल जाए। मेरी हाइट है 5'10", और जो सीट है वो बिल्कुल पीछे है, तब भी आप देख सकते हैं कि कितना क्या आपको स्पेस मिलता है। स्पेस तो ख़त्म हो गया, पर फिर भी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। और सेंटर में सेंटर बम काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा मिलता है देखने को, और सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है। अंतर साइज सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। जो रियर हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे, और रैप हैंडल जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, और सेंटर में आपको लाइट मिल जाती है, बस और कुछ नहीं है। जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और सीट के पीछे कुछ भी रखने के लिए सामान वगैरह जगह नहीं दी गई है। अब चलते गाड़ी के रियर में और दिखाते हैं आपको बूट स्पेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। गाड़ी का बूट ओपन करके दिखाते हैं कि आपको बूट कैसा क्या आपको मिलता है। तो टियागो है तो टियागो की तरह ही आपको बूट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो रिकेशन से जैसे आप अपना बटन दबाएंगे और हाइड्रोलिक्स की मदद से अपना आप ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको पासेज ट्रे मिल जाती है, और नीचे आपको स्पेयर टायर देखने को मिल जाएगा, सिलेंडर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का आपको स्पेयर CNG सिलेंडर लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको सिलेंडर आपको मिल ही जाता है। सेम ही कॉन्सेप्ट है CNG का, और यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट भी आपको मिल जाती है, जो कि टियागो में भी आपको मिलती है। तो यही है ओवरऑल गाड़ी का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।